Hello everyone welcome back to our channel Study IQ Shree. this is me Arjita एंड uh, आज के सेशन में बात करेंगे एक ऐसे सिचुएशन के बारे में जो कि हमारे देश में कई बार देखी जाती है तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि पब्लिक प्लेसेस में लड़ाई झगड़ा अगर लोगों के बीच में हो जाता है लोग थोड़े से यू नो गुस्से में आ जाते हैं तैश में आ जाते है, तो दम, आ, हैं तो एकदम चीजें जो है बिगड़ जाती है मतलब जब पब्लिक प्लेस में लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं तो तरह तरह की बातें एक दूसरे को सुना देते हैं तरह तरह के अब्यूजिव वर्ड्स वर्ड्सर्स वर्ड्स जो है एक दूसरे को बोल देते हैं यहाँ पे अब ऐसे में पब्लिक में अगर कोई पर्सन इस तरीके से यू नो बातें वगैरह बोल रहा है ठीक है आसपास के लोग भी जैसे खड़े होकर सुन रहे हैं महिलाएं हैं बच्चे हैं बड़े बूढ़े हैं तो क्या पब्लिक में इस तरीके से अब्यूज जो है वो करना या फिर कर्स वर्ड्स जो है वो आपके यूज करना क्या इसे ऑप्शिनिटी माना जा सकता है मतलब सेक्शन टू आईपीसी में क्या ये एक ऑफेंस बन सकता है ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नाउ सेशन स्टार्ट करने के पहले तो गाइज अगर आपने अभी तक आ, मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो ताकि अगर आपका कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो कोई क्वेरी हो तो उसे आप यहाँ पे पूछ सकते हैं आ, जो भी मेरे अपकमिंग सेशन होंगे उनकी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी एंड uh, कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स भी हैं जो मैं शेयर करती हूँ टेलीग्राम पे तो उन्हें भी आप एक्सेस कर सकते हैं uh, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो फाइल सेक्शन होता है वहां पर जाके एंड uh, जो लोग जुडिश एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की स्टडी आईक्यू जुडिशरी का जो नया लाइफ फाउंडेशन बैच है यानी कि बैच नंबर सेवन ये स्टार्ट होने जा रहा है कब से छह अक्टूबर से ठीक है लेकिन आपको 6 अक्टूबर तक वेट करने की जरूरत नहीं है आप उसके पहले इनरोल कर सकते हैं तो किसी भी स्टेट जुडिशियल एग्जामिनेशन को अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंग्लिश या हिंदी मीडियम तो प्रिलिम्स मीनस इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन यहाँ पे इस कोर्स में आपको करवाई जाती है इस कोर्स का जो प्राइस है दैट इज ट्वेंटी और एक ही डिस्काउंट कोड है जिससे आपको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट एंड दैट इज ए आर जे यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर बाकी वेबसाइट कहां पे है इनरोल कैसे करना है और क्या क्या चीजें इस कोर्स में करने के बाद आपको मिलेंगी ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी अब देखिए पहले ये जो पर्टिकुलर केस हुआ है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं तो देखिए इस केस में दो लोग थे कैलाश तमराकर एंड कुमार हरबोल ठीक है ये दोनों जर्नलिस्ट हैं बाय प्रोफेशन तो इन्होंने बेसिकली पुलिस के सामने जाके जो है एफआईआर फाइल करवाई कि भाई हम जो है हम जो है गांव में गए हुए थे एक विलेज में हम बेसिकली गए हुए थे ठीक है किसी न्यूज मैटर के कवरेज को लेके किसी खबर को कवर करने के लिए और वहां पे एक पर्सन जो कि एक्यूज्ड है हमारे इस केस में दैट इज प्रफुल ये बेसिकली आए ठीक है आ, और हमको जो है हमारे साथ गाली गलौज करने लगे यानी कि हमको अब्यूज वगैरह करने लगे और इन्होंने हमको धमकी भी दी मतलब हमारे काम में इंटरफेयर करने लगे और इन्होंने हमको धमकी भी दी कि भाई आप जो है मैं जो हूं आपका कैमरा वगैरह भी तोड़ दूंगा ठीक है और भी कुछ धमकियां यहां पे दी गई एंड इनको जो है इनके साथ हाथापाई करने की मतलब हाथ वगैरह उठाने की भी कोशिश वगैरह यहां पे हुई तो इसकी वजह से इन दो लोगों ने इस पर्सन के अगेंस्ट एक एफ आई पे यहां फाइल की और एफ फाइल हुई थी दो यही पब्लिक प्लेस में अगर कोई भी ऑप्शी एक्ट आपने किया है कोई भी ऑप्सीन गाने वगैरह आप गा रहे हो जिससे लोग परेशान हो रहे हैं लोगों को गुस्सा आ रहा है लोग इरिटेट हो रहे हैं तो वो ऑप्सीटी माना जाता है और सेक्शन 506 बात करता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में आपने किसी भी पर्सन को डराया धमकाया कि आप उनको कुछ कर दोगे ठीक है उनको डराने के लिए उनको अलार्म करने के लिए तो वो आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस यहां पे माना जाता है तो कंप्लेनेंट्स का यहां पर यह कहना था कि सर इन्होंने जिस तरीके से हमारे साथ पब्लिक में बर्ताव किया कि हमें अब गाली गलौज वगैरह सुनाई तो उससे हमको गुस्सा आया यानी कि हम एनॉय हुए ठीक है तो ये एक ऑप्सीन एक्ट है तो 294 नाइन फोर इनके ऊपर लगना चाहिए और इन्होंने हमको डराया धमकाया भी यहां मैं आपका कैमरा तोड़ दूंगा मैं आपको ऐसा कर दूंगा तो इनके ऊपर क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी यहां पर लगाया जाना चाहिए अब देखिए जो एक्यूज था यहां पे बेसिकली एमपी कोर्ट गया और वहां पर जाके बोला कि सर ये एक गलत एफआईआर है जो कि मेरे अगेंस्ट फाइल हुई है क्योंकि दो, दोनों ऑफेंसेस का एलिगेशन जो मेरे ऊपर लगाया जा रहा है इनमें से कोई भी ऑफेंस यहाँ पे मेकआउट नहीं हो रहा है इन्होंने बोला इन्होंने बेसिकली बताया कि देखिए ऐसा है Uh, मेरी uh, जो जो कॉरपोरेशन होता है जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होता है हम सब मिलके कुछ काम कर रहे थे वहां पे किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हम वहां पे लगे हुए थे और ऐसे में ये दो जर्नलिस्ट ठीक है ये जो कंप्लेनेंट्स जो हैं जिन्होंने ये केस वगैरह फाइल किया है तो ये दो जर्नलिस्ट आए और हमारे उस काम में क्या करने लगे दखल करने लगे इंटरफेरेंस वगैरह करने लगे तो इसकी वजह से मैंने उनको बोला कि आप यहां से चले जाइए ठीक है इस तरीके से यहां पे मत रहिए जिसकी वजह से इन्होंने यहां पे क्या किया मेरे ऊपर ये कंप्लेन्ट वगैरह फाइल कर दी तो कोर्ट ने देखिए पहले तो कंप्लेनेंट से पूछा कि सर अच्छा आप बोल रहे हैं इन्होंने आपके साथ गाली गलौच की आपको अब्यूज वगैरह किया तो क्या बोला इन्होंने एग्जैक्टली वहां पे ऐसा आपको गाली गलौच करने के लिए जिससे आपको बुरा लगा जिससे आपको गुस्सा आया तो कंप्लेनेंट का यहां पर यह कहना था कि देखिए इन्होंने जो गाली गलौच की वो तो हमको समझ ही नहीं आई मतलब कई बार होता है ना देखिए दुनिया भर में देश भर में लोग तरह तरह की गालियां देते हैं तरह तरह के अब्यूज वर्ड यूज करते हैं हो सकता है कुछ ऐसे भी हो जो आपने सुने भी ना हो कभी ठीक है या आपको शायद समझ में ही ना आए किसी दूसरी भाषा में हो तो इन्होंने भी कुछ ऐसी भाषा में अब्यूज वगैरह किया होगा जो इनको लगा कि इनको गाली गलौज दी जा रही है इनको अब्यूज किया जा रहा है तो कोर्ट ने जब इनसे पूछा कि भाई अच्छा क्या गाली दी इन्होंने आपको तो इन्होंने बोला कि हमें तो पता ही नहीं है कौन सी गाली दी थी बट कुछ तो दी थी इन्होंने यहाँ पे तो कोर्ट ने बोला कि जब सामने वाले की बोली गई गाली ये सामने वाले के पर्सन के द्वारा बोला गया कोई अब्यूज वर्ड या कर्स वर्ड अगर आपको समझ में ही नहीं आया आप उस वर्ड को समझ ही नहीं पाए तो वो आपको गुस्सा कैसे दिला गया वो आपको इरिटेट कैसे कर गया बस सामने वाला कुछ कुछ बड़बड़ा रहा था तो आपको लगा कि वो गाली गलौज कर रहा है तो, हाँ तो हाँ सेक्शन फोर किसी भी पर्सन के ऊपर लगाने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि किसी ने पब्लिक में कोई ऑप्शीन एक्ट किया हो और उस ऑप्शी एक्ट से किसी पर्सन को एनॉयस हुआ हो एनॉयस का मतलब गुस्सा आया हो आपको इरिटेशन वगैरह हुआ हो अब यहाँ पे जो

किया भी, तो इन्होंने कौन सा यूज़ किया, कौन से कर्स वर्ड यूज किए वो आपको यहां पे समझ में ही नहीं आए आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि गाली गलौज हमारे साथ हुई है तो गाली गलौज होना ये सफिशियंट नहीं है सेक्शन टू में होने के लिए 294 किसी भी पर्सन के ऊपर <clears throat> यानी कि पब्लिक में आ, किसी भी पर्सन के ऊपर गाली गलौज करने के लिए या अब्यूज वर्ड्स यूज करने के लिए ये जरूरी है कि उस उन वर्ड्स को यूज करने के बाद किसी पर्सन को अजीब सा लगा हो उसे इरिटेशन हुआ हो उसे गुस्सा आया हो हुआ हो वो अनकंफर्टेबल सा हुआ हो वहां पे तो जैसे अगर हम टू देखते भी हैं तो टू की देखिए स्टार्टिंग में ही लिखा है कि अगर आपने क्या किया है लोगों को अनोय किया है यानी कि अगर आपने उनको गुस्सा दिलाया है पब्लिक प्लेस प्लेस में कोई अपसीन एक्ट करके ठीक है कुछ गाने वगैरह गा के पब्लिक प्लेस में जिससे लोगों को अनोयंस हुआ हो तो अनोयंस होना यानी कि सेक्शन 294 में बहुत ज्यादा जरूरी है तो कोर्ट ने यानी तो ये चीज तो क्लियर कर दी कि देखिए पब्लिक प्लेस में अगर कोई पर्सन गाली गलौज करता है वो काफी नहीं है 294 लगाने के लिए गाली गलौज के साथ ये भी होना चाहिए कि भाई जिन लोगों को वो गाली दी गई या जिन्होंने उस गाली गलौज को सुना उनको वो सब के गुस्सा आया उनको इरिटेशन हुआ उनको अजीब सा लगा उनको गंदा लगा अंदर से कि बात आई सेक्शन 506 की तो यहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी लगाया गया था तो कोर्ट ने इनसे पूछा कि भाई आपको किस तरीके से क्रिमिनली इंटिमिडेट किया। तो ने बोला कि सर हमको धमकी दी कि ये हमारे ऊपर ट्रैक्टर चला देगा ठीक है अब ये देखिए वही बात हो गई जैसे कि हम असोल्ट पढ़ते हैं ठीक है जब हम असोल्ट पढ़ते हैं आईपीसी में तो आईपीसी में असोल्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सिर्फ शब्दों को यूज करके मेन वर्ड डू नॉट अमाउंट टू एन असोल्ट मैं अगर ऐसे खड़ी हूं और मैंने आपको बोला कि भाई मैं आपको डंडे से बहुत बुरी तरह मारूंगी आपको साफ दिख रहा है कि भाई ना तो मेरे हाथ में कोई डंडा है ना मेरे आसपास कोई डंडा है तो मेरा ऐसे बोल देने से कि मैं आपको डंडे से मारूंगी आप डर तो नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे आसपास तो कोई डंडा है ही नहीं ना मेरे हाथ में कुछ है तो कोर्ट ने यहां पे बोला कि देखिए अगर हम मान भी लेते हैं उस पर्सन ने आपको बोला कि वो आपके ऊपर ट्रैक्टर चला देगा आसपास तो कोई ट्रैक्टर वगैरह था ही नहीं ना तो सेक्शन 506 लगाने के लिए क्या जरूरी होता है कि भाई किसी पर्सन ने किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे पर्सन को धमकी दी हो थ्रेटन वगैरह किया हो किसी तरीके की इंजुरी का जिससे वो पर्सन एकदम डर गया मतलब उस वक्त आपके लिए डर जाना अलार्म हो जाना बहुत जरूरी होता है सेक्शन 506 लगाने के लिए तो मैंने अगर आपको धमकी दी अब आपको दिख रहा है कि ये तो बोल रही है, मारेंगी, लेकिन मारेंगी इनके पास कोई ही नहीं है कुछ भी नहीं है वैसे ही ट्रैक्टर है कि, वो आपके चला देगा, तो कि आप एकदम से बहुत डर गए होंगे आप अलार्म हो गए होंगे तो ऐसे में कोर्ट ने बोला कि देखिए क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस तभी होता है जब कंप्लेनेंट को किसी तरीके का एकदम से भय आया हो एकदम से अलार्म वो पर्सन हो गया हो ठीक है सिर्फ धमकियां देना के द्वारा कि मैं आपके ऊपर ट्रैक्टर चला दूंगा मैं आपको गोली से मार दूंगा अरे सामने वाले के पास ना तो गन है ना गोली है कैसे मारेगा वो आपको यहां पे तो एकदम से जो इमीजिएट अलार्म होता है ना वो यहाँ पे होना जरूरी होता है सेक्शन 506 सौ का ऑफेंस आपका लगाने के लिए तो बेसिकली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है कि देखिए सेक्शन 294 लगाने के लिए पहले तो क्या जरूरी है कि किसी पर्सन ने अगर गंदे शब्दों का यूज किया भी है, अब यूस यूस भी है। कर्स अगर आया हो, इरिटेशन हुआ हो, हुआ हो किसी तरीके का तो जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल का यह केस है यहां पे कि भाई अगर आपको सामने वाले पर्सन के द्वारा दिए गए वर्ड्स ही नहीं समझ में आए कि उन्होंने किन वर्ड्स को यूज करके आपको गाली दी है अब किया है तो जब आप वर्ड ही नहीं समझे तो आपको क्या ही गुस्सा आया होगा क्योंकि पहले तो आपको गाली समझ में आनी चाहिए ना तभी तो आपको सामने वाले को गुस्सा आएगा कि भाई ऐसे कैसे बोल दिया आपने मुझे यहाँ पे तो कोर्ट ने यहाँ पे वही बोला है कि भाई सिर्फ गालियां देना पब्लिक प्लेस में 294 का ऑफेंस नहीं माना जा सकता और दूसरा क्रिमिनल इंटिमिडेशन लगाने के लिए यह जरूरी है कि आपने किसी पर्सन को धमकी दी लेकिन धमकी देने के बाद वो पर्सन तुरंत डर गया ठीक है जैसे हम असोल्ट में पढ़ते हैं कि मेयर डू नॉट अमाउंट टू एन ठीक उसी तरीके से मेयर थ्रेट ऑल्सो डू नॉट अमाउंट टू क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए जरूरी है कि भाई आपने किसी को डराया और आ, आप जिस चीज का डर उनको दिखा रहे हो वो सामने वाले को लगना चाहिए कि हाँ ये अभी तुरंत कर देगा तो या तो आप ट्रैक्टर पे बैठे थे और आपने बोला कि अब मैं ये ट्रैक्टर तुम्हारे ऊपर चला दूंगा हाँ तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हो सकता है बट अब आपके आसपास कहीं ट्रैक्टर नहीं है और आप बोल रहे हो कि मैं आपके ऊपर ट्रैक्टर चला दूंगा तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन नहीं माना जा सकता क्योंकि सामने वाला उतना डरा ही नहीं उतना अलर्म ही नहीं हुआ यहाँ पे तो कोर्ट ने बेसिकली क्या किया ये जो दोनों सेक्शन के तहत एफ आपकी फाइल हुई थी इसे कोर्ट ने यहाँ पे क्या कर दिया क्वॉश कर दिया क्योंकि दोनों ही सेक्शन के इंग्रीडियंट जो है आपके वो यहाँ पे मीट नहीं हो रहे थे ठीक है तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन भी हम एक बार देख लेते हैं तो कोर्ट ने बेसिकली क्या बोला है कि भाई कोई भी पर्सन किसी तरीके की इंजुरी का डर किसी पर्सन को अगर दिखाता है इंजुरी आपकी रेप्यूटेशन की हो प्रॉपर्टी की हो बॉडीली इंजुरी हो ठीक है और उस उससे क्या होता है कोई पर्सन अलार्म हो जाता है मतलब एकदम से वो चौकन्ना टाइप का हो जाता है एकदम से तुरंत उसको डर लग जाता है तब यहां पे आपका क्या आता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस आता है तो बेसिकली मैंने दोनों प्रोविजन यूज करके आपको बताया कि जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में भी अगर हम बात करें तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन होने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए और 294 जो ऑप्शिनिटी के बारे में बात करता है वो लगने के लिए भी इसमें आपका क्या होना चाहिए तो टू आंसर माई क्वेश्चन पब्लिक प्लेस में सिर्फ गाली गलौज करने से आप किसी के ऊपर 294 नहीं लगा सकते यह जरूरी है कि भाई गाली गलौज के साथ साथ जिस पर्सन को यह दी गई या जिन लोगों ने आसपास उसे सुना उन्हें किसी तरीके का एनॉयस भी वहां पे पहुंचा हो वो गुस्सा हुए हो इरिटेट हुए हो परेशान हुए हो अजीब सा उनको यू नो लगा हो कि भाई ये कैसे शब्दों का यूज किया जा रहा है तभी आपका ये पर्टिकुलर प्रोविजन लगाया जा सकता है तो आई होप ये केस यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा सेशन एंड करने के पहले तो गाइस जैसे कि मैंने आपको सेशन की स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा नया लाइफ फाउंडेशन बैच बैच नंबर सेवन स्टार्ट हो रहा है कब से छह अक्टूबर से तो अगर किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हो क्योंकि यहां पे आपको प्रिलिम्स मेंस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाती है वो इंग्लिश हो या आपका हिंदी मीडियम हो अब आप इसके लिए इनरोल कैसे कर सकते हैं तो देखिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपको जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपको सर्च करना है क्या स्टडी आई क्यू जुडिशरी ठीक है इस तरीके से टाइप करिएगा थोड़ा सा आपको नीचे स्क्रॉल करना है ये एक वेबसाइट आपको दिखेगी स्टडी आई क्यू एजुकेशन करके इस पर क्लिक करिए एंड जो सबसे पहला कोर्स आपको यहां पे दिखेगा यह है हमारा लाइफ फाउंडेशन बैच नंबर सेवन जो कि स्टार्ट हो रहा है कब से छह अक्टूबर से तो इस कोर्स में <clears throat> आपको बेसिकली लाइव क्लासेस मिलती हैं ऑनलाइन क्लासेस हैं एंड देखिए ऑनलाइन क्लास का बेस्ट फायदा ये होता है कि आपको घर छोड़ के जाने की कहीं पे भी जरूरत नहीं है घर बैठे बैठे आप जो जुडिश्री एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं एंड एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन जो मुझसे है कि मैम चलिए हम तैयारी तो कर लेंगे लेकिन आपकी इन लाइव क्लासेस में हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे डाउट्स कैसे पूछेंगे तो उसके लिए भी निश्चित हो जाइए क्योंकि इन लाइव क्लासेस में हर स्टूडेंट के पास अपने आप को अनम्यूट करने का ऑप्शन अवेलेबल रहता है तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप क्लास में ही फैकल्टी से पूछ सकते हो डिस्कस कर सकते हो तो आपके सारे क्वेश्चंस

अब इससे आता है कि भाई मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट की परेशानी होती है तो मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं वो भी आपको यहां पे सिखाया जाएगा स्टार्टिंग कैसे हो एंडिंग कैसे हो कितने केस लॉज हो आंसर की लेंथ कितनी हो तो मेंस की आंसर राइटिंग जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी आपकी इस कोर्स में है जीके और करंट अफेयर बहुत सारे स्टेट्स में आता है तो जीके और करंट अफेयर की भी क्लासेस हैं लीगल करंट अफेयर है आ, सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट जजमेंट्स आजकल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं उसकी भी क्लासेस आपकी इसमें इंक्लूडेड हैं लोकल लॉज आपके हो गए तो आपने देखा ही होगा कि किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन में सिर्फ मेजर और माइनर लॉज नहीं आते हैं लोकल लॉज भी आते हैं तो लोकल लॉज की क्लासेस भी आपको मिलती हैं लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश उसकी भी क्लासेज हैं और एक अच्छी बात इस कोर्स की यह है कि हर स्टूडेंट को यहाँ पे अपना खुद का एक पर्सनल मेंटोर भी मिलता है

सबसे नीचे एक ऐसा डब्बा बना होगा बॉक्स एंटर कूपन कोड करके ठीक है यहां पे जाके आपको क्या करना है तीन अक्षर टाइप करने हैं तीन लेटर्स टाइप करने हैं ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर क्यों क्योंकि इसी कोड से हमको मिलता है सबसे ज्यादा और सबसे मैक्सिमम डिस्काउंट और जैसे ही वो कोड लगा के आपने अप्लाई किया तो लाइक यू कैन सी कि भाई 24999 में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा अगले 2 साल की वैलिडिटी के साथ दो साल के लिए क्यों है तो 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस में भी आपके पास कोर्स का एक्सेस रहेगा 2025 तक तो जितनी life classes आपकी हुई थी ना 10 से रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो जितनी बार चाहो उतनी बार एक्सेस कर सकते हो तो आप में से जो स्टूडेंट्स मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं उसका एक ही डिस्काउंट कोड है दैट इज एआर जे ठीक है अच्छा <clears throat> लाइव बैच में इन्रोल कर इनरोल करने का एक और बहुत बड़ा फायदा यह है कि आपको स्टडी आईक्यू जुडिश्री का जो महापैक का कोर्स है यह फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा जैसे ही आप लाइव बैच में इनरोल करते हैं तो तो बेसिकली महापैक का कोर्स है क्या तो महापैक के इस कोर्स में 16 स्टेट्स की आप तैयारी कर सकते हैं 16 स्टेट्स में जो मेजर लॉज आते हैं माइनर लॉज आते हैं लोकल लॉज आते हैं वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड करके इस महापैक के कोर्स में अपलोड कर दिए हैं तो जो स्टूडेंट्स लाइव बैच के लिए इनरोल करेंगे उन्हें महापैक का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड मिल जाएगा तो बेसिकली ट्वेंटी फोर ट्रिपल नाइन के अमाउंट में दो कोर्सेज यहां पे आपको मिलते हैं लाइव बैच भी मिलता है और महापैक का कोर्स भी मिलता है एंड यहां पे नीचे अगर आप देखेंगे तो अलग अलग स्टेट्स के इंडिविजुअल स्टेट स्पेसिफिक कोर्सेज भी अवेलेबल हैं बट एक चीज बता दूं जो मुझसे कई बार पूछी भी जाती है कि इनमें डिफरेंस क्या है तो देखिए ये जो स्टेट वाले कोर्सेज आपको दिख रहे हैं या ये जो का कोर्स दिख रहा है इनमें होती है रिकॉर्डेड क्लासेस जो पहले से हम क्लासेस रिकॉर्ड कर देते हैं वो होती है ये लाइव क्लास नहीं है लाइव बैच के अपने फायदे हैं क्योंकि इसमें आपको मिलती है लाइव क्लास जिसमें आप फैकल्टी से बात कर सकते हो डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो इसमें आपको डेली एमसीक्यूज मिलते हैं प्रिलिम्स के और मेंस के नोट्स मिलते हैं मेंटोरशिप मिलती है डेली uh, एमसी uh, जो है डेली uh, जो डेली uh, जो है आप अपने मेंटोर से भी बात कर सकते हो मेंस आंसर राइटिंग जजमेंट राइटिंग ये कुछ फायदे हैं लाइव बैच के तो अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से कोर्स के लिए इनरोल करना है बट किसी भी कोर्स के लिए आप इनरोल करें तो एक ही डिस्काउंट कोड है दैट इज ए आर जे मेरे नाम के स्टार्टिंग के तीन अक्षर और लाइव बैच के लिए इनरोल करना है तो ये जल्दी से कर लो क्योंकि छह अक्टूबर से ये बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है सो दिस दिस इज ऑल फ्रॉम एंड इन पर्टिकुलर सेशन सेशन अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक करिए इसे शेयर करिए एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए सो आल सी यू गाइज सून तब तक ली टेक केयर ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन बाय बाय